Good morning, students. Today is your SST class, and today I will teach you chapter number 4 of history, colonialism and tribal societies. Okay, so in this chapter you are going to learn about the tribal people. Tribal people means यानी जो आदिवासी लोग होते हैं उनके बारे में आप पढ़ने वाले हो कि वो लोग कैसे रहते थे, उनकी रिलीजियस बिलीफ क्या थी, उनकी लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, वो क्या काम करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, कैसी उनकी लिविंग थी, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द ट्राइबल पीपल. People who did not form the part of the agrarian industrial societies in developed areas came to be known as tribal. वो लोग जो कि मतलब industrial societies में ना, जैसे हम लोग रहते हैं, हमें सब facilities provided हैं, यानी हमारी एक industrial society है, ठीक है, यानी यहाँ पर industries वगैरह सब लगी हुई हैं और हमें developed areas में रहते हैं. लेकिन वो लोग जो कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, जो developed areas में नहीं रहते, उन्हें बोला जाता है tribal. Tribal को हम हिंदी में आदिवासी भी कह सकते हैं, ठीक है. आदिवासी कंबाइनिंग द वर्ड्स आदि विच मीन, ये दो वर्ड से बना हुआ है. आदि जिसका मतलब होता है ओल्ड टाइम यानी पुराने समाज, पुराने समय के, एंड वासी मीन्स इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स यानी कोई भी उनके अंदर हैबिचुअल चीज़ नहीं होती, सब इनहैबिटेंट होता है, ठीक है. दे लिव इन डिफिकल्ट टेरेन, वे बिल्कुल अलग तरीके से लोग रहते थे, बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं. टेरेन दे लिव इन अ डिफिकल्ट टेरेन फ्रॉम द टाउन एंड सिटी, जितने भी शहर हैं, टाउन हैं, उन सब से लोग बहुत दूर रहते हैं और अपने पुराने कस्टम के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, यानी जैसे उनका पुराने से चला आता आ रहा है, कोई भी उनका डेवलप नहीं है, उसी कस्टम के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं, ठीक है. वही पुराने ट्रेडिशंस, वही पुराने रिलीजियस बिलीव्स, उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपनी लाइफ को जीते हैं. ट्राइबल्स जो हैं, कोई भी इनके ट्राइबल्स में क्या होता है कि इनकी कोई पर्टिकुलर कास्ट क्रीड या कास्ट क्रीड के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है. ये मतलब कोई भी कास्ट से हों, कोई भी हायरार्की से हों, सब ये लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है. एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ अपनी वर्शिप करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तरीके से. मोस्टली ये लोग फॉरेस्ट में यानी जंगलों में, हिल्स वगैरह पर पाए जाते हैं और जिन और उन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, जितनी भी इनके आसपास की नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं इनके सर्वाइवल के लिए, उन चीज़ों पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है. इन्हें बिल्कुल भी इकोनॉमिक वर्ल्ड से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है. उनकी खुद की करेंसीज वगैरह कुछ नहीं होती, हम पैसे वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, पैसा कुछ नहीं होता है उनके. वो अपना बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं. बार्टर इन द सेंस कि अगर उन्हें कुछ सामान चाहिए तो वो किसी को कुछ सामान के बदले एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आदिवासी है, उसे चाहिए राइस और उसके पास है वीट, तो क्या करेगा कि वो अपने गेहूं किसी दूसरे इंसान को दे देगा और उससे चावल ले लेगा. तो ये होता है पार्टी सिस्टम, यानी एक सामान से दूसरा सामान एक्सचेंज करना, उसके थ्रू ही अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है. कुछ लेकिन अभी अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे दुनिया आगे बढ़ रहे हैं लोग, तो उसके हिसाब से इन लोगों ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया. ये एम्प्लॉयड वर्कर की तरह काम कर लेते हैं, कोई भी ठीक है एम्प्लॉय बन जाते, कोई भी वर्कर बन जाते हैं, ठीक है. कहीं पर भी इन्हें विलेज में, गाँव में, टाउनशिप में, यानी शहर वगैरह में अगर काम मिलता है तो ये कर लेते हैं. इनकी सैलरी, इनके जो पैसे होते हैं, अगर कितने भी पैसे पर आप इन्हें रख सकते हो, क्योंकि इन्हें ज़्यादा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इनका कुछ इतना खास खर्चा वगैरह तो होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी डेवलप्ड इनकी जगह नहीं है जहाँ पर ही रहते हैं, उतना ही इन पर इतनी फैसिलिटीज़ है जिस पर ये पैसे खर्च करने, इसलिए चीप रेट्स पर यानी बहुत कम पैसों पर भी ये काम कर लेते हैं. अब आते हैं एरियाज ऑफ हैबिटेशन, ठीक, यानी इनका आसपास का एरिया कैसे होता है, इनका हैबिटेशन आने का तरीका कहाँ पर ये लोग रहते हैं. जो ट्राइबल एरियाज होते हैं रिमोट, देयरफॉर दे डिड नॉट फुली गेट द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट. ये जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ये बहुत दूर रहते हैं शहर वगैरह से, ठीक है, यानी तो इनका जो पूरी तरीके से इन्हें डेवलपमेंट नहीं मिल पाई. ये जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जैसे हिल्स में, फॉरेस्ट में या डेजर्ट्स में भी ये लोग पाए जाते हैं, यानी जंगलों में, पहाड़ों पर और रेगिस्तान में भी ये लोग पाए जाते हैं. ये जो एरियाज होते हैं इनके हैबिटेशन के, कुड बी into the areas of northern the jungles of the central plateau which includes nearly the whole of Madhya Pradesh, Chhattisgarh as well as Orissa and Jharkhand. ओके, अब आते हैं इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमसे बिल्कुल अलग होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हिंदू की रिलीजियस प्रैक्टिस अलग होती है, हिंदुज़म, क्रिश्चियन की अलग होती है क्रिश्चियनिटी, और मुस्लिम्स की अलग होती है इस्लाम. इनका ऐसा नहीं होता, ये लोग सारी लोग एक जगह एक साथ रहते हैं, इनको कोई रिलीजन डिवाइड नहीं होता है, ठीक है. ये कहाँ, ये कौन से किन्हें वर्शिप करते हैं, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें वर्शिप करते हैं, ठीक है. जितनी भी चीज़ें इन्हें मिल रही हैं नेचुरली, जो इन्हें कुदरती चीज़ें मिलती हैं, उन्हें वर्शिप करते हैं. फायर, फॉरेस्ट, ट्रेन, इन सबको ये अपनी वर्शिप करते हैं. इन लोगों ने अपना एक वहाँ पर ही एक अलग रिलीजन, एक अपना ही वर्शिप सेंटर बना लिया है, ठीक है. जहाँ पर जो लोग वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, जो अपने घर में रहकर कर सकते हैं वो अपने घर में गॉड को अपने वर्शिप कर सकते हैं. इनकी लैंग्वेज जो होती है हम लोगों से बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है. इनकी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आदिवासी हैं मोस्टली वो
मेजोरिटी जो होती है वो इंडिया स्पोक जो मेजोरिटी है वो ज़्यादातर क्या बोलती है, सांथली बोलती है, यानी इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है, सांथली, मोस्टली सांथली लोग बोलते हैं यहाँ पर। अब इनका ऑक्यूपेशन यानी क्या काम ये लोग करते हैं, हंटर गैदरर्स यानी शिकार करते हैं, शिफ्टिंग जूम कल्टिवेशन, ठीक है, यानी हु हैड नॉलेज ऑफ सम कल्टिवेशन स्टार्टेड स्मॉल स्केल फार्मिंग ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। शिफ्टिंग जूम कल्टिवेटर्स में क्या होता है, यानी वो आदिवासी जिन्हें नॉलेज नहीं होती खेती बाड़ी की, तो वो छोटे छोटे स्केल पर यानी छोटी छोटी खेती बाड़ी करते हैं अपनी ज़मीनों पर, ठीक है। ये लोग एनिमल हर्डिंग यानी भेड़ बकरियाँ चराते हैं, सेटल्ड कल्टिवेशन यानी ये लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ एक टुकड़े पर जमीन पर वहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर रिजर्व बाइज लैंड ओनरशिप ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम ओरिजिनल फॉरेस्ट डवेलिंग फार्म, यानी क्या करते हैं लोग वहाँ पर अपनी ज़मीन पर रिजर्व हो जाते हैं, वहाँ से ज़मींदारी शुरू कर देते हैं, सेटल कल्टिवेशन, लोगों से रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करना वो सब करते हैं। अब आता है कॉलोनिज्म एंड द ट्राइबल्स। कॉलोनिज्म में क्या, जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी खुद की प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं अथॉरिटी को, ठीक है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के ऊपर पूरी अबाउट में दे मेड दे अपने खुद के रूल्स बनाते हैं, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू विलेजर्स से, ठीक, कल्टीवेशन के लिए लैंड रिजर्व करते हैं, सारी स्मॉल फॉरेस्ट को रन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रन करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश कॉलोनी रूलर्स जो होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो ये चाहते थे कि वो ट्राइबल्स से वो सारी पावर छीन कर अपने पास ले लें और ट्राइबल्स को अपने अंडर कर लें, लेकिन ट्राइबल्स को जो आदिवासी थे उन्हें ये बात पसंद नहीं है, और उन्होंने क्या करा, उनके अगेंस्ट स्ट्राइक वगैरह शुरू कर दी, रिवॉल्ट वगैरह क्या, ठीक है। अब क्या थे फॉरेस्ट लॉज और इनके इम्पैक्ट क्या है, जो 19th सेंचुरी की मिडिल थी ट्राइबल्स थे उनकी कस्टमरी राइट्स थे फॉरेस्ट पर, उनके जो राइट थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए रिकॉग्नाइज थे।